हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडिया जीके एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट। जो अलग अलग मेजरमेंट्स करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसका ये आप पार्ट वन है। आप अपने सजेशंस क्वेरीज को indiagkacademy@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एल्टीमीटर। ये एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है और ये बेसिकली एयरक्राफ्ट में जो हवा में उड़ते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। साथ में रेफरेंस के लिए आप इसकी इमेज है। उसके बाद आपका आ गया एनीमोमीटर। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इसको मैंने इरेज कर दिया। सो दैट एनीमोमीटर यूज़ किया जाता है, जो विंड की डायरेक्शन होती है, उसकी स्पीड होती है, उसको मेजर करने के लिए ये एनीमोमीटर हम यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको मूवीज़ में या न्यूज़ में या कहीं पर भी डेली लाइफ में बहुत बार देखा होगा। उसके बाद आपका आ गया ऑडियोमीटर, जो साउंड की इंटेंसिटी को, ध्वनि की तीव्रता को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका आ गया बैरोग्राफ। बैरोग्राफ क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कॉन्टीन्यूअली रिकॉर्ड करता है। उसकी जो रीडिंग होती है ये उसको कॉन्टीन्यूअली रिकॉर्ड करता है। जो बैरोमीटर होता है तो वो मेजरमेंट सेम करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, बट वो कॉन्टीन्यूअसली नहीं होती। इसमें कई बार सडन ड्रॉप है, उसका मतलब होता है कि रेन होगी, एकदम सडन राइज हो गया, दैट मीन्स कि आंधी तूफान आने वाला है, तो ये उस तरह से यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका आ गया बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर जो होते हैं वो दूरबीन होती है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैलिपर्स जो होते हैं वो है इनर एंड आउटर डायमीटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का इनर और आउटर डायमीटर उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इनमें रीडिंग्स आजकल डिजिटल होते हैं ये, और इनमें साथ ही साथ रीडिंग वगैरह आती रहती है। क्रोनोमीटर जो होते हैं, जो वेसल होते हैं, सी शेप्स होते हैं, ठीक है, तो उनका लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन करते हैं। सी पर जो उसका लॉन्गिट्यूड है वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। जो इसका एंगुलर एक होता है डिस्टेंस, उसको अर्थ के सर्फेस से उसको ईस्ट और वेस्ट से मेजर करते हैं, जो क्रोनोमीटर होते हैं। उसके बाद क्रायोमीटर होते हैं, ये बहुत ही लो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ऑलमोस्ट जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आपको पता ही है, स्पेस शटल्स हम लॉन्च करते हैं तो वहाँ स्पेस में नॉर्मल फ्यूल नहीं चलता, वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है तो वहाँ पे क्रायोजेनिक फ्यूल यूज़ किया जाता है। भारत भी इस टाइम क्रायोजेनिक फ्यूल में इंडिपेंडेंट होता है, तो इसकी अभी कई और जगह पर टेस्टिंग चल रही है। अभी अलग अलग कैंपेन्स के लिए, मिशन के लिए इसकी टेस्टिंग चलती है। एंडोस्कोप जो होता है, जो इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ वगैरह होते हैं उसके लिए, ये एंडोस्कोपी आपने सुना होगा, एक मेडिकल टर्म होती है, ठीक है, तो इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए ये यूज़ किया जाता है। गैल्वेनोमीटर तो आपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पे आपने इसको देखा ही होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोमीटर जो होता है, जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, इसका क्या मतलब है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, इसका मतलब ये होता है कि एक मटेरियल है वाटर, उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी एक मान लेते हैं, ठीक है, उसकी डेंसिटी एक है, और सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो है एक जैसे आइस क्यूब, जिसकी डेंसिटी मान लो आप 0.8991 कुछ भी आप मान लो, ठीक है, तो अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम होगी तो वो पानी में डूबेगा नहीं, वो वहाँ पे फ्लोट करता रहेगा। तो एनी ऑब्जेक्ट, एनी मटेरियल दैट हैज़ ए डेंसिटी बिलो वन, तो वो डूबेगा नहीं। बिलो वन का मतलब जो एक से कम होगी तो वो पानी में डूबेगी नहीं, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगी, एक से ज़्यादा होगी। उसके बाद आपका आ गया हाइग्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर होता है वो ह्यूमिडिटी, नमी की मात्रा को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, आप जो पिक्चर्स हैं उनको रेफरेंस के तौर पर आप यूज़ करो तो वो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। उसके बाद आज के टॉपिक के लास्ट जो हैं, एक है प्रेशर हाइप्सोमीटर, जो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और एक है स्केल हाइप्सोमीटर। ये दोनों हाइप्सोमीटर हैं, बट ये स्केल हाइप्सोमीटर है, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एलिवेशन, इसको हम एलिवेशन कहते हैं, ए पॉइंट से बी तक चला गया, तो यहाँ पे ये इस तरह जाने के बजाय ऐसे चला गया, तो ये एलिवेट हो गया, इसको हम एलिवेशन कहते हैं। तो इस एलिवेशन को कैसे मेजर करते हैं, स्केल हाइप्सोमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद है कि आपको ये याद हो गए होंगे, तो इसको रिवीजन करने के लिए आप अपनी एक सेल्फ टेस्टिंग के लिए आप इसको या क्विज में इसको ट्राई करो, ठीक है। तो जो कैलिपर है, कैलिपर इज़ यूज फॉर मेजरिंग। कैलिपर किसके लिए होता है यूज़, तो वो होता है जो इनर आउटर
डायमीटर्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। जो क्रायो आपका क्रायोमीटर होता है वो यूज़ किया जाता है। क्या मेजर करता है वो? लो टेम्परेचर क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो इसको मेजर करता है। जो एंडोस्कोप होता है वो क्या मेजर करता है? जैसा हमने पढ़ा, इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी, चाहे वो ह्यूमंस हो, मशीन हो, कुछ भी हो, जो उनके इंटरनल पार्ट्स हैं वहाँ पर ये चेक किया जा सकता, उससे देखा जा सकता है। उसके बाद आपका आ गया हाइड्रोमीटर, जो कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे पानी की रिलेटिव डेंसिटी क्या है? 1 है, ठीक है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होगी तो वो चीज़ पानी में तैरती रहेगी, और जिसकी रिलेटिव डेंसिटी किसी लिक्विड से ज़्यादा होगी तो वो उस लिक्विड में डूब जाएगी, वो पानी नहीं होता, लिक्विड बहुत तरह की होंगी। उसके बाद ऑडियोमीटर है, जो आपका ऑडियोमीटर है वो होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इसको मेजर करने का ऐसा ही यूनिट क्या होता है? वो होता है वाट पर स्क्वायर। तो ये उसका यूनिट आ गया वाट पर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बैरोग्राफ जो होता है वो होता है कॉन्टीन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह जो आपका स्केल हाइप्सोमीटर है और प्रेशर हाइप्सोमीटर, जो प्रेशर हाइप्सोमीटर वो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जानने के लिए होता है, और ये होता है एलिवेशन को, किसी ऑब्जेक्ट की एलिवेशन या हाइट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एनीमोमीटर किसके लिए हम यूज़ करते हैं? जो विंड की स्पीड और डायरेक्शन, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो इस तरह से कुछ ऐसे बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद गैल्वेनोमीटर, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोमीटर हम पहले कर चुके हैं। एल्टीमीटर जो होता है वो एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज होता है एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आज के टॉपिक का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है या कुछ आपको लगता है कि कुछ टॉपिक में से इस वाले में से आपको कवर करना लगता है तो आप कमेंट्स वगैरह में करके ज़रूर बताना, और इसको आप प्रैक्टिस करें, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।